नमस्कार, स्वागत है बीबादी कुकिंग में। आज की रेसिपी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही हेल्दी है। चलो मिलकर बनाते हैं। आज हम मिलकर ठंडाई बनाएंगे। ठंडाई गर्मियों के दिनों में हर घर में बनती है और साथ में होली और शिवरात्रि के पर्व में तो ठंडाई बनाते ही हैं। अगर इसी ठंडाई में थोड़ा सा भांग भी पीस कर डाल दें तो त्यौहार का मज़ा ही दुगना हो जाता है। आज हम मिलकर बनाएंगे। इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। शरीर में ठंडक देती है, त्वचा को हेल्दी करती है और साथ में इम्यून सिस्टम को भी बहुत स्ट्रांग करती है। चलो शुरू करते हैं ठंडाई बनाना। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे बादाम, काजू, पिस्ता। गर्म पानी में हम इसको भिगो देंगे। ओवरनाइट भी हम इसको पूरी रात भिगोने के लिए रख देंगे। भिगोने के बाद बहुत बढ़िया है, ये फूल जाते हैं। और जो बादाम का छिलका है इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। सभी ड्राई फ्रूट जब हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और साथ में डालेंगे चीनी, काली मिर्च साबुत, लौंग, खसखस डालेंगे और साथ में डालेंगे इलायची पाउडर। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं अगर इलायची पाउडर नहीं है। थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको फाइन सेमी लिक्विड पेस्ट बना लेंगे इस तरह से, और हींग को भी पीस लेंगे। और अब तो बहुत ही आसान है। ग्लास में हींग डालेंगे, पिसी हुई हींग डालेंगे एक चम्मच, और साथ में हम डालेंगे, आप के ऊपर निर्भर करता है, आप दो चम्मच भी कर सकते हैं, पिसी हुई ड्राई फ्रूट की पेस्ट डालेंगे हम। वो डबल क्वांटिटी में हम करेंगे और साथ में हम डालेंगे आइस क्यूब्स और ठंडा दूध डालेंगे हम इसमें। जो भांग का कॉम्बिनेशन जिसको नहीं चाहिए वो प्लेन ठंडाई में दूध डालकर भी पी सकते हैं। इस तरह इसको हम सब मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारी हेल्दी ठंडाई भांग के कॉम्बिनेशन के साथ बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना, बहुत बढ़िया बनेगी। बनाकर हम ठंडाई फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब भी दूध पिए उसमें मिक्स कर लें। बहुत ही बढ़िया हमारी आज की रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया बनेगी। बढ़िया बने तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर तो बनता ही है। धन्यवाद।